ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय सत्यं दिशति अर्थितं अर्थितो नृणां नैव अर्थदः पुनः अर्थिता यतः स्वयं विधत्ते भजताम अनिच्छताम इच्छा पिधानम निजपाद पल्लवम सत्यं दिशत्यर्थितमर्थितो नृणां नैवार्थदो यत् पुनरर्थिता यतः स्वयं विधत्ते भजतामनिच्छताम् इच्छा पिधानं निजपादपल्लवम् सत्यं दिशत्यर्थितमर्थितो नृणां नैवार्थदो यत् पुनरर्थिता यतः स्वयं विधत्ते भजतामनिच्छताम् इच्छा पिधानं निजपादपल्लवम्
शब्दार्थ सत्यम सचमुच दिशति देता है अर्थितम अभिष्ट पदार्थ अर्थिता मांगने पर निर्णाम मनुष्यों के द्वारा न नहीं एवं निसंदेह अर्थद वर देने वाला या जो पुनः फिर अर्थिता वर की कामनाएं यतः जिससे स्वयं साक्षात विधत्ते प्रदान करता है भजताम भगवान की सेवा में निरत लोगों को अनिच्छताम निष्काम भाव से इच्छा पिधानम समस्त वांछित वस्तुएं निचपाद पल्लवम अपने चरण कमलों पर अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की श्री भगवान उस भक्त की भौतिक कामनाओं की पूर्ति करते हैं जो सकाम भाव से उनके पास जाता है किंतु वे भक्त को ऐसा वर नहीं देते जिसे वह अधिकाधिक वर मांगता रहे फिर भी भगवान प्रसन्नता पूर्वक ऐसे भक्त को अपने चरण कमलों में शरण देते हैं भले ही वह उसका इच्छुक न हो और शरणागत होने पर उसकी समस्त इच्छाएं पूरी हो जाती है यह श्री भगवान की विशेष अनुकंपा है हम दोहराएंगे श्री भगवान उस भक्त की भौतिक कामनाओं की पूर्ति करते हैं जो सकाम भाव से उनके पास जाता है किंतु वे भक्त को ऐसा वर नहीं देते जिसे वह अधिकाधिक वर मांगता रहे फिर भी भगवान प्रसन्नता पूर्वक ऐसे भक्त को अपने चरण कमलों में शरण देते हैं भले ही वह उसका इच्छुक न हो और शरणागत होने पर उसकी समस्त इच्छाएं पूरी हो जाती है यह श्री भगवान की विशेष अनुकंपा है तात्पर्य पिछले श्लोक में कहा गया है कि भक्त जन श्री भगवान के पास सकाम भाव से पहुंचते हैं इस श्लोक में यह बताया गया है कि वे किस प्रकार उन कामनाओं से अलग रखे जा सकते हैं श्रीमद् भागवतम का अध्याय स्कंद 2 अध्याय 3 श्लोक 10 में इसका उपदेश हुआ है अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम चाहे भौतिक कामनाओं से मुक्त हो या उनसे पूर्ण अथवा परमात्मा से दत्ताकार होना मोक्ष की कामना चाहता हो मनुष्य को चाहिए कि भक्ति करे इससे न केवल भक्ति इच्छाएं पूरी होंगी वरन एक दिन ऐसा आएगा कि वह श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहेगा जो किसी उद्देश्य से भगवान की सेवा करता है वह सकाम भक्त कहलाता है और जो बिना किसी उद्देश्य के सेवा करता है वह अकाम भक्त कहलाता है श्री कृष्ण इतने दयालु हैं कि वे सकाम भक्त को अकाम भक्त बना देते हैं शुद्ध भक्त अथवा अकाम भक्त में किसी प्रकार की कामना नहीं होती वह श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा करके ही संतुष्ट रहता है भगवद्गीता के अध्याय 6 श्लोक 22 में इसकी पुष्टि की गई है यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा करने पर किसी अन्य वस्तु की इच्छा नहीं रह जाती यह भक्ति की सर्वोच्च दशा है भगवान सकाम भक्त पर भी इतने दयालु रहते हैं और उसकी इच्छाओं को इस प्रकार पूर्ण करते हैं कि वह अकाम भक्त बन जाता है उदाहरणार्थ ध्रुव महाराज अपने पिता से भी बढ़कर उत्तम राज्य प्राप्त करने के लिए भक्त बने अंत में अकाम भक्त होकर उन्होंने भगवान से कहा स्वामी कृतार्थोस्मि वरम न याचे हे स्वामी मैं परम संतुष्ट हूँ
मैं केवल आपके चरण कमलों की सेवा करना चाहता हूँ, मुझे किसी सांसारिक लाभ की इच्छा नहीं है। कभी कभी छोटा बालक गंदी वस्तु को मुंह में डालता है, उसके माता पिता उसके मुंह से उस वस्तु को निकाल कर उसे संदेश या कोई दूसरी मिठाई खाने को देते हैं। वह भक्त जो भौतिक वर की इच्छा करता है ऐसे ही बालक के तुल्य है। भगवान इतने दयालु हैं कि वे उसकी समस्त भौतिक कामनाओं को हर कर उसे सर्वोच्च वर प्रदान करते हैं। अतः भौतिक कामनाओं के लिए भी श्री भगवान के अतिरिक्त किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए, जिससे उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हों और अंत में वह श्री भगवान के धाम पहुंच सके। इसकी व्याख्या श्री चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला अध्याय 22 श्लोक 37, 39 और 41 में इस प्रकार दी गई है। अन्य कामी हो सकता है कि भक्त भगवान के चरण कमलों के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु की कामना करे। यदि करे कृष्ण न भजन, किंतु यदि श्री कृष्ण की सेवा में अपने को लगाता है, ना मांगी ते ह कृष्ण तारे देना स्वचरण, उसके न चाहने पर भी श्री कृष्ण उसे अपने चरण कमलों में शरण देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं आमा भजे वह मेरी सेवा में रत है, मांगे विषय सुख तो भी इंद्रिय सुख चाहता है, अमृत छाड़ी विषय मांगे, ऐसा भक्त उस पुरुष के तुल्य है जो अमृत छोड़कर विष की याचना करता है। यही बड़ा मूर्ख या उसकी नदानी है। आमी बिग किंतु मैं अनुभवी हूँ, ये मूर्ख विषय केने दीब, मैं ऐसे मूर्ख को भला क्यों कर भौतिक सुख देना चाहूँगा। विषय भुलाइब, मैं ऐसा करूँगा कि वह समस्त भौतिक कामनाओं को भूल जाए। काम लागी कृष्ण भजे, यदि कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए भगवान की सेवा में रत होता है, पाए कृष्ण रसे, उसे अंत में भगवान के चरण कमलों का स्वाद मिल जाता है। काम छाड़ी दास हईते है अभिलाषे, वह समस्त कामनाएं छोड़कर भगवान का चिरंतन सेवक बनना चाहता है। हरे कृष्ण। देवलोक में देवता लोग आपस में जुट करके और भारतवर्ष की बड़ाई कर रहे हैं। भारतवर्ष में जन्म लेना कितना दुर्लभ है, इसको वे लोग बोल रहे हैं। तो इस श्लोक में भगवान के स्वभाव के विषय में वो बोलते हैं। सत्यम, यह बात सत्य है कि भगवान अपने भक्त के अर्थितम मांग को पूरा करते हैं। सत्यम दिशति अर्थितम अर्थितो, अर्थितः का अर्थ है भगवान से जब प्रार्थना की जाती है, मांग की जाती है, तो वे अर्थितम वांछित वस्तु को देते हैं। लेकिन नैवार्थ दो जत पुनरर्थिता जतः, फिर भी भगवान किस भक्त को वह अर्थ नहीं देते हैं, वह वस्तु नहीं देते हैं जिस वस्तु के मिलने के बाद भी पुनः अर्थिता जतः कि और वस्तु की कामना रह जाए। नैवार्थ दो, श्री कृष्ण अर्थद हैं, अर्थ देते हैं, लेकिन ऐसी कामना पूरी नहीं करते हैं जिससे कामनाएं निरंतर बनी रहें। बल्कि वे स्वयं विधत्ते भजताम अनिच्छताम
जो भक्त भगवान से कुछ नहीं चाहते हैं, भौतिक लाभ नहीं चाहते हैं, तो उन भक्तों को भगवान स्वयं ही अपना चरण कमल दे देते हैं। जो समस्त इच्छाओं को समाप्त कर देता है, इच्छा पिधानम, भगवान का चरण कमल प्राप्त हो जाने के बाद और कोई भी कामना नहीं रह जाती है। इसलिए चरण कमल को यहाँ इच्छा पिधान कहा गया। पिधान, पिधान में सबको ढक देने वाला, पूरा कर देने वाला, इच्छा पिधानम निजपाद पल्लवम। भगवान का कोई भी अंग चरण कमल कहा जाता है। ये ध्यान रखना चाहिए कि जब चरण कमल कहा जाता है तो उससे भगवान का समग्र स्वरूप, उनका सीख, उनका कर्ण, उनकी नासिका, उनका आधर कमल, सब कुछ उसमें सम्मिलित है। चरण कमल से केवल चरण ही बोध नहीं होता है। भगवान अपना चरण कमल दे देते हैं भक्त को, इसका अर्थ है अपने को दे देते हैं। सबसे पहले वे अपने दिव्य श्री विग्रह का दर्शन देते हैं और इसके साथ अपने दिव्य शरीर के सुगंध का अनुभव कराते हैं। भक्त दर्शन करता है और इसके साथ भगवान में कितना सुगंध है इसका भी वो अनुभव करने लगता है। इसके बाद भगवान कुछ बोलते हैं और भक्त कुछ बोलता है, तो उस समय वो अपने कर्ण इंद्रिय से भगवान के शब्दों की मधुरता सुनता है और उसे भगवान को छूने का सौभाग्य भी मिलता है। और इसके बाद भगवान अपना प्रसाद देते हैं तो रसनेन्द्रिय से भी वो भगवान का आस्वादन करता है। इस तरह अपने पांचों ज्ञानेन्द्रियों से भगवान का अनुभव प्राप्त कर लेते हैं। तो इन सब अनुभवों को चरण कमल की प्राप्ति से ही तुलना की गई है। भगवान अपना चरण कमल दे देते हैं, मतलब अपने आप को दे देते हैं, अपना सुगंध देते हैं, अपना स्पर्श देते हैं, अपना शब्द सुनाते हैं और उस समय भक्त सब कुछ भूल जाता है। कोई भी कामना उसकी बाकी नहीं रह जाती, यहाँ तक कि मुक्ति की वासना भी समाप्त हो जाती। चार प्रकार की जो मुक्ति है सबसे श्रेष्ठ मानी गई, पांच प्रकार उसे भी नहीं चाहता। फिर स्वर्ग आदि की तो बात ही क्या है, ब्रह्मा का पद भी वो नहीं चाहता। इच्छा पिधानम, भगवान के सुंदर रूप को देख करके, उनको छू करके भक्त इतना आनंदित होता है कि उसे अन्य कोई भी कामना नहीं रह जाती। इसको इच्छा पिधानम कहते हैं। चैतन्य चरितामृत में भगवान ने कहा है, कृष्ण कहे आमा भजे मांगे विषय सुख,
अमृत छाड़े विष मांगे यही बड़ मूर्ख। भगवान कहते हैं कोई भक्त मुझे भजता है तो अपनी मूर्खता से वह विषय भोग मांगता है, लेकिन उसकी तुलना कर रहे हैं कृष्ण की, जैसे कोई अमृत छोड़ करके विष मांगे। तो विष मांगने वाले को मैं विष नहीं देता हूँ, मैं तो जानकार हूँ ना, आमी विज्ञ यही मूर्खे विषय के न दिवा, मैं समझदार हूँ, मैं इस अज्ञ को विष क्यों दूंगा, निज चरणामृत दिया विषय भुलाइब, बल्कि मैं अपना चरण कमल दे करके उसकी विषय भोग की वासना को हर लेता हूँ। यह भगवान का स्वभाव है, विषय है भोग ये सब जीव को दुख देने वाले हैं, लेकिन अपनी मूर्खता बस वह इनको चाहता है। जितने भी विषय की वस्तुएं हैं, इंद्रिय के विषय हैं संसार में, ये सब दुख की योनि है, दुख उत्पन्न करते हैं, नया नया दुख। तो मूर्खता बस कभी कभी भक्त भी इसकी कामना करते हैं, लेकिन भगवान अपने भक्त को संभालने वाले हैं। वे साफ कहते हैं आमी विज्ञ यही मूर्ख है विषय के न दीब, मैं क्यों विषय दूंगा, बल्कि निज चरणामृत दिया विषय भुलाइब, अपना चरण कमल दे करके मैं उसकी विषय वासना को दूर कर दूंगा। यही भगवान की परम विशेषता है। अतः किसी भी प्रकार से, चाहे समस्त कामनाओं के कारण या काम भाव से, किसी भी तरह से भगवान कृष्ण का भजन करना चाहिए। अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदार धि तीव्रेण भक्ति योगे न जजेत पुरुषम परम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा है अकाम, चाहे निष्काम भाव से या सर्व काम या सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए, यहाँ तक कि मोक्ष की इच्छा भी हो तो उसके लिए भी भगवान का ही भजन करना चाहिए। सब तरह से कृष्ण हमको ठीक कर देंगे, हमको जो परम लाभ है वो देते हैं, चाहे भक्त मांगे या न मांगे, यह दया है भगवान की। और देवता मांगी हुई वस्तु को देते हैं, लेकिन श्री कृष्ण जिसमें हमारा हित है वही करते हैं, मांगने पर गिड़गिड़ाने पर भी देते नहीं हैं, जिसमें हमारा हित है उसी को देते हैं। यदि छोटा बच्चा आग पकड़ना चाहता है तो क्या माता उसको छूट दे देगी पकड़ने के? नहीं, वो सांप को पकड़ना चाहे या तीक्ष्ण हथियार पकड़ना चाहे तो माता उसको पकड़ने नहीं देती है, ये काट लेगा हाथ को, इसको खरोच लग जाएगी। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण कोटि कोटि माताओं से भी अधिक स्नेहवान हैं, अपने भक्त को वे हानि करने वाली वस्तुएं नहीं देते हैं, बल्कि वो प्रयास करता है लेने के लिए, उद्योग करता है, भगवान उसको भी विफल कर देते हैं।
वे अपना दर्शन देते हैं, अपने स्वरूप का अनुभव कराते हैं। अतः किसी भी प्रकार से उन्हीं की शरण में रहना चाहिए। जैसे छोटा बच्चा अपने हित अहित की बात नहीं जानता है और कुछ भी मुंह में डाल देता है, अगर विष भी उसको दिया जाए तो उसको खा लेगा, लेकिन माँ उसका निवारण करती है, विष नहीं लेने देगी, यहाँ तक मिट्टी भी नहीं खाने देती। तो इसी तरह भगवान अपने भक्तों को वो चीज़ देते ही नहीं हैं जो संसार में जन्म मृत्यु में बांधने वाली चीज़ होती है। भक्त तो क्या क्या कामना नहीं करेगा, कामनाएं बहुत होती हैं। कभी सोचेगा हमको बहुत बड़ा धन मिल जाए, बहुत बड़ा पद मिल जाए, लेकिन श्री कृष्ण वही करते हैं जिसमें उसका हित होता है। इन सब बांधने वाली वस्तुओं को नहीं देते हैं। और भक्त भी ऐसा होता है, जब उसको रस मिल जाता है कृष्ण भक्ति में, तब वह भूल जाता है सांसारिक विषयों को। ये भगवान की भक्ति का एक प्रभाव है। और भगवान का स्वभाव है वे सब समय रक्षा करते हैं, यह भी एक रक्षा है कि अपने भक्त के चित्त में किसी विषय भोग की कामना होने ही न पावे, अगर हो तो भी उसका विनाश कर देते हैं। इसलिए देवता लोग कह रहे हैं सत्य है, भगवान इच्छा पूरी करते हैं जो इच्छा होती है, लेकिन वैसी इच्छा की पूर्ति नहीं करते हैं कि यत पुनः अर्थिता, फिर अर्थिता बनी रहे। और भक्त में मांगने का भाव हमेशा बना रहे, ऐसी इच्छा की पूर्ति नहीं करते हैं, इच्छा की पूर्ति करते हैं जिससे इच्छा कभी हो ही नहीं, समस्त इच्छाओं की पूर्ति अपने आप हो जाती है। भगवान के रस का अनुभव होने पर कोई कामना नहीं रहती। जैसे ध्रुव महाराज बहुत बड़े साम्राज्य के लिए तपस्या किए थे मधुबन में, बहुत इच्छा थी उनकी कि मैं सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति बनूं। यहाँ तक कि ये नारद जी से कहते हैं कि जो धन मनु महाराज को नहीं मिला और उससे पहले ब्रह्मा जी को भी जो धन प्राप्त नहीं है वह धन मुझे चाहिए। नारद जी ने कह दिया चलो मैं तुम्हारे पिता को समझा देता हूँ, तुम्हारे पिता तुमको राज दे देंगे। तब ध्रुव महाराज कहते हैं हमको अभी इस राज से क्या मतलब है, मैं सबसे बड़ा राज चाहता हूँ और उपाय बताइए। तो नारद जी ने कह दिया वो तो भगवान दे सकते हैं। तो ध्रुव नारद जी की बात से मधुबन में तपस्या करने लगे, भगवान का चिंतन करने लगे। और जब भगवान उनके सामने प्रकट हुए तब स्पष्ट कहे कि स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न याचे, हे नाथ मैं धन्य हो गया, मैं वर नहीं मांगूंगा, मैं खोजने चला था स्पर्श मणि को, पारस पत्थर को, नहीं मैं खोजने चला था कांच को, कांच खोज रहा था कूड़ा करकट में और मुझको अकस्मात स्पर्श मणि मिल गया, पारस पत्थर मिल गया। तो मैं धन की कामना से भजन किया
घर त्याग किया, मधुबन आया, तपस्या किया, लेकिन मुझे आप मिल गए, आपका यह सुंदर रूप देखने को मिला, आपका शब्द सुना, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे धन की कामना नहीं है, मैं कृतार्थ हूँ। इसी प्रकार से भक्त भगवान की शरण में रहता है तो उसे भगवान के रस का अनुभव वही कराते हैं, ये भगवान पर ही जिम्मेवारी है। ये भक्ति का मार्ग ऐसा है, सभी बातों पर, सभी बातों में हमें भगवान पर आश्रित रहना है। कभी कभी चिंता होती है भक्त को कि हमारा क्या होगा, हमारा शरीर छूट जाएगा तो हमको कौन ले जाएगा भगवान के धाम में। ये सब सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, सब कुछ भगवान पर निर्भर है, वो जहाँ ले जाना होगा ले जाएंगे, जैसे ले जाना होगा ले जाएंगे। किसी भी स्थिति में चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और कभी कभी ये मन में होता है कि ये विषय भोग की कामनाएं मन से जाती नहीं हैं, हम क्या करें, करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस भगवान का नाम जपते रहें, भगवान को प्रणाम करते रहें, हमारे लिए जो ज़रूरी है, जिसमें हमारा हित है, वो वही करेंगे, अपनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, सदा उनके शरण में रहना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे। वही प्रभु सब कुछ करेंगे, उनका उपदेश है भगवद गीता में, बड़ी श्रद्धा से उसका पालन करने की चेष्टा करनी चाहिए, जितना होता है उतना करें, और जितना नहीं होगा वो सब कृष्ण करेंगे, जितना उन्होंने शक्ति दिया है, सामर्थ्य दिया है, उस उतना करना चाहिए। जो शक्ति से बाहर है वो सब सर्वशक्तिमान करेंगे। हमारी जितनी शक्ति है उस शक्ति का उपयोग करें, भगवान का जप करने में, भगवान के बारे में पढ़ने में, भगवान को प्रणाम करने में, जितनी शक्ति है उतना करें, जो शक्ति से बाहर है उसकी चिंता ना करें। कभी कभी हम लोग सोचते हैं यह नहीं हो रहा है, यह नहीं हो रहा है, क्या करें, और सभी भक्ति सब प्रकार से हम कर नहीं पाएंगे, पर जितनी भक्ति करने की हमारी शक्ति है उतना तो करें। भगवान का नाम जपने की शक्ति है ना, जपा करें, और वह भी आचार्यों ने निश्चित किया है, श्रील प्रभुपाद ने कह दिया है 16 माला जप करो, उसको ईमानदारी से आलस छोड़ करके करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे। ये विश्वास रखना चाहिए, हम ऐसे स्वामी का भजन कर रहे हैं जो सर्व समर्थ हैं, सब कुछ कर सकते हैं और सर्वज्ञ हैं, हमारी दशा को वे जानते हैं, हमारे हृदय में ही हैं,
और सबके सुहृद हैं, सबके हितैषी हैं, सुहृद हैं और सभी लोगों के महाईश्वर हैं। सर्वज्ञ हैं, सर्व समर्थ हैं, तब चिंता किस बात की? भगवान सब जानते ही हैं और सब कुछ करने की शक्ति उनमें है, पर इतना नहीं करना चाहिए तब हमारे लिए जप भी कर देवे। हमसे जप होता नहीं है, क्या करें? भगवान सब कर सकते हैं तो क्या हमारे लिए 16 माला जप नहीं कर देंगे? इतना लाचार नहीं बनना चाहिए। भगवान तो जीव दे दिए, शरीर स्वस्थ रखे हैं, बोलने की शक्ति दिए हैं, तो अब दूसरी बात न बोल करके भगवान का नाम बोलते रहे। हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम 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 हरे। तो भगवान को प्रणाम करना चाहिए और आँख यदि ठीक है तो ग्रंथ पढ़ना चाहिए, और जब आँख ठीक ना रहे तब सूरदास जी के समान भगवान को केवल प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन पढ़ने की शक्ति है तो खूब पढ़ना चाहिए, श्रवण शक्ति है तो सुनना चाहिए। जो हमको विशेषता भगवान ने दी है, जो सब शक्ति दी है, अपनी शक्ति को लगा देना चाहिए भगवान में। जो शक्ति से बाहर है वो सब कृष्ण करेंगे। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा महाराज जी। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने उत्साहपूर्वक क्लास दिया। महाराज जी आपने बताया जिस तरह के भगवान जो शरणागत भक्त है उनको, जो शरणागति स्वीकारना चाहते हैं उन्हें भगवान शरणागति देते हैं, लेकिन कभी कभार महाराज जी भक्ति में हम प्रवचन सुनते हैं तो उत्साह रहता है, भगवान को प्रणाम करते ये सब है, लेकिन भौतिक इच्छा इतनी मन में रहती है तो उसको भगवान क्यों नहीं निकालते? बहुत टाइम क्यों लगा देते इतना? तुरंत निकालना चाहिए ना, भगवान देखते हैं कि भैया शरणागति लेना चाहता है तो तुरंत। तो आप चाहते हैं कि स्विच ऑन हो, बस सब कुछ हो जाए? नहीं, जो कहते हैं भगवान, जो बात गीता में कहते हैं या भागवत में जो बोलते हैं उसको करना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। भगवान समस्त भौतिक कामनाओं को नष्ट करेंगे, पर कब करेंगे, कितनी मात्रा में करेंगे वो वही जानते हैं। हम लोग तो केवल यही बता सकते हैं ना कि भगवान करेंगे। उनके वचन से अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करूंगा, तुम सोच मत करो, शोक मत करो, टेंशन मत लो, अर्जुन से कहते हैं। तो हम लोग भगवान के वचन की ही व्याख्या करते हैं, पर ये नहीं कह सकते कि किस मिनट पर और किस समय करेंगे। भगवान ने इतना कहा है कि मैं करूंगा, धैर्य रखो,
टेंशन मत लो, हमारा जो कर्तव्य है वो करते रहे। हमारा कर्तव्य है जप करना भगवान के नाम का, भगवान के लीला कथाओं को पढ़ना, भगवान के उपदेश को पढ़ना, भगवान को प्रणाम करना, भगवान का श्रृंगार करना, भगवान का दर्शन करना, तो ये करते रहे। और बीच बीच में मान लीजिए हम भगवान को प्रणाम करें और उठ करके ये सोचे कि हमारा सब पाप दूर हो गया ना, वो सोचने की आवश्यकता नहीं, भगवान के वचन पर विश्वास कीजिए। हम जिनकी शरण में हैं, जिनके भक्त हैं, वे सब करेंगे, क्योंकि उन्होंने वचन दिया है। गीता में बारंबार भगवान के वचन हैं, मेरी भक्ति करोगे तो तुम परम सिद्धि को प्राप्त करोगे। ये भगवान के वचन परम सत्य हैं, वे ऐसे नहीं हैं जैसे गली गली में कोई सामान बेचने वाला व्यक्ति चिल्लाता रहता है कि ये लो ये लो, ऐसा कोई वचन नहीं है, वो निगम वचन है। निगम जो नितराम गमयति, जो परम सिद्धि तक पहुंचा देगा। जैसे गली में कोई सामान बेचने वाला व्यक्ति पुकारता चलता है ये लीजिए वो लीजिए, तो उसी प्रकार का वचन हम सभी मान लें। जैसे रेलवे के बूथ पर कोई व्यक्ति बोलता है कि गाड़ी के आने का ये समय है, तो उसको भी हम यही समझ लें कि अभी वैसा ही है नहीं, वह ज़्यादा प्रमाणिक है उसकी अपेक्षा। गली में घूमने वाले व्यक्ति के वचन से वो ज़्यादा प्रमाणित है। तो सब प्रकार के वचनों से परम प्रमाणित वचन है, परम प्रमाण है भगवान का वचन। और भगवान के वचन की ही व्याख्या श्रील प्रभुपाद ने की है, तो हम लोग तो उन्हीं वचनों को बोला करते हैं। पर विश्वास है कि विषय भोग की वासना दूर होगी। अब कब होगी वो वही जानते हैं, तो हृदय में है ही, भगवान हृदय को छोड़ करके दूर नहीं चले गए हैं, वो तो रह ही रहे, हमारी इच्छा को समझते हैं, उनको कब करना होगा जब करना होगा वे करेंगे। पर हमारा जो कर्तव्य है वो तो करना चाहिए, अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। ठीक तरह से जप करते रहें, मंगला आरती करते रहें, उसमें लापरवाही की जरूरत नहीं है, उसको छोड़ नहीं देना चाहिए। तो ये सोचे कि अब बहुत दिन से मंगला आरती किया, अब आज से स्टॉप कर दें, तो उससे क्या फायदा होगा, करते ही रहना चाहिए, वो हमारा जीवन है। भगवान का जप करना, मंगला आरती करना, भागवत सुनना, गीता पढ़ना, ये सब हमारा जीवन है, करना चाहिए भगवान की बात में पूर्ण श्रद्धा रख करके।
कृष्ण महाराज, गीता भगवद गीता में तीन बार धर्म शब्द का अलग अलग संदर्भ में उल्लेख आया है। जैसे दूसरे अध्याय में कहते हैं कि आपको आपका वर्णाश्रम धर्म क्षत्रिय का अदा करना चाहिए, फिर बोलते हैं कि मैं धर्म स्थापना करने को आया हूँ, लास्ट में अंत में 18 अध्याय में बोलते हैं कि सब धर्म छोड़ के मेरे शरण में आ जाओ। तो ये तीनों शब्द का अर्जुन तो 1.5 घंटों में अर्थ समझ गया, मगर जो पहली टीका या तात्पर्य जिस वैष्णव आचार्य ने किया होएगा, उसने उसका अर्थ कैसे समझाया होएगा? और वो आचार्य कौन थे जो जिसने फर्स्ट टाइम भगवद गीता के ऊपर टीका लिखा, तात्पर्य लिखा, अगर आप बता सकते हो। थैंक यू। अब तो ये पता नहीं है, तो प्रश्न करने के लिए कहता है, बहुत विषय स्थापित कर किया नहीं जाता है। जैसे भागवत की क्लास के बाद बहुत प्रकार की बातें नहीं की जा सकती, प्रश्न पूछना चाहिए थोड़ा सा छोटे में, कि नहीं तो आप विषय रख रहे हैं, सब्जेक्ट रख रहे हैं। इन पर व्याख्या की नहीं जा सकती इतने कम समय में। हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज जी, हमने सुना है एक काफ़ी सारे लेक्चरों में कि नित्यानंद प्रभु, मतलब कोई भक्त है जो भक्ति में आया है और भक्ति करने की भी इच्छा है और भी बहुत सारी इच्छाएं हैं उसके मन में, तो नित्यानंद प्रभु जो है वो दूसरी इच्छाएं जल्दी पूरी कर देते हैं और भक्ति नहीं देंगे, ऐसा तो कहाँ तक सत्य है ये बात? तो इच्छाएं बहुत होती हैं, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति जल्दी होती है तो जैसे मान लीजिए कोई भोजन कर लिया है और उसकी इच्छा है कि मुझे एक बीड़ी पीने को मिले, कि भोजन के बाद कुछ लोग पीना चाहते हैं, तो एक बार की सत्य बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे गांव में एक अतिथि आए थे, वर्षा हो रही थी, तो हम लोगों ने उनको प्रसाद पवाया, और प्रसाद पाने के बाद उनको कहे कि आप यहीं विश्राम कीजिए, तो वो कहे कि हमको एक बीड़ी दीजिए पीने के लिए। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, बीड़ी नहीं है यहाँ, तो लगे कहने तब हमको क्यों खिलाया। हम दूसरी जगह खा लिए होते, यहाँ क्यों खिलाया। तो एक व्यक्ति ने उनको ला करके एक बीड़ी दिया, तब वे सुख से सोए। तत्काल इच्छाएं होती हैं बहुत तुच्छ है, तो देवता लोग यही देते हैं हमको, जो तत्काल इच्छा होती है तो उसको दे देते हैं, लेकिन हमारी जो आवश्यकता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि इसका विनाश और अमर जीवन की प्राप्ति, जो हम केवल भक्ति से प्राप्त कर सकते हैं, वैकुंठ प्राप्ति, वैकुंठ में वास। कि इन सब इच्छाओं की पूर्ति भक्ति से होती है।
सभी इच्छाओं की पूर्ति भक्ति से हो जाती है, इस श्लोक में यही कहा जा रहा है। लेकिन उसमें देर होती है, और कर्मजा सिद्धि क्षिप्रम भवति मानुषे लोके, क्षिप्रम भवति तत्काल कर्म की सिद्धि होती है। भक्ति में प्राप्ति किसी वस्तु की देर से होती है, लेकिन कंप्लीट होती है। देर से हो लेकिन अच्छा लाभ हो, सोचना चाहिए। जैसे कोई जल्दी सिद्धि चाहता है कि नहीं, हमको इसी समय चाहिए, हमको एक रुपया चाहिए बस इसी समय। लेकिन दूसरा बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है मुझे करोड़ों रुपया चाहिए, भले 10 दिन के बाद ही मिले, एक महीने के बाद या साल भर के बाद मिले। तो साल भर के बाद चाहने वाला वो बुद्धिमान है कि आज आज मिलेगा तो कहेगा अभी दूंगा, लेकिन एक रुपया दूंगा, और एक महीने के बाद हजारों रुपया दूंगा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। महाराज जी दंडवत प्रणाम। भगवत गीता में भगवान ने कहा है जरा धर्म मोक्षाय माम आश्रित यदंती है। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यदंती है। लोग जो भी प्रयत्न करें, जो भी शरणागति ले, वो मेरे आश्रित होनी चाहिए, तभी आपको वैकुंठ मिलेगा। जरा और मृत्यु से मुक्त होना है तो भगवान का आश्रय लेना ही पड़ेगा। दूसरे लोग स्वयं जरा मृत्यु के बंधन में हैं, वे क्या मुक्त कर रहे हैं। माम आश्रित जतन्ति, मेरे आश्रय में रह करके जतन करते हैं भक्त लोग। जरा मृत्यु से मुक्त होने के लिए, ये मृत्यु केवल इसी समय नहीं है, सब समय मरना होता है। इस शरीर के बाद भी फिर जन्म मिलेगा तो उसमें भी मृत्यु है, सब शरीरों में फिर मरना पड़ता है। तो एक बार मरना ही मरना है, ये तो बारंबार मरना है और अनंत बार मरना पड़ेगा। 84 लाख योनियों में जितने शरीर हैं, ये ब्रह्मा जी के लोक तक बार बार मरना पड़ता है। इसलिए इस मरण से भयभीत होकर के बुद्धिमान व्यक्ति इससे मुक्त करने वाले की शरण लेते हैं, कृष्ण की शरण लेते हैं। जो भगवान उनको मृत्यु से मुक्त कर देते हैं, एक बार केवल मरते हैं, इस शरीर को छोड़ करके फिर उनको ऐसा शरीर नहीं मिलता है कि फिर मरना पड़े। तो माम आश्रित जतन्ति,
भगवान का आश्रय ले करके और जतन करना चाहिए। यत्न, यत्न का अर्थ यही भक्ति, भगवान का नाम जप, भगवान को प्रणाम, भगवान की पूजा, यही यत्न है। तो उनका भक्त पहले होना चाहिए, भक्त बन करके ये सब काम करें तो अच्छा हो। आश्रित, आश्रय लेकर के। तो इसमें आपका क्या ऑब्जेक्शन है? भगवान की बातों पे विश्वास है ना? भगवान स्पष्ट बोलते हैं, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित जतंती है। बुढ़ापा के दुख से और मरण के दुख से मुक्त होने के लिए मेरा आश्रय लेकर के जत्न करते हैं बुद्धिमान लोग, और दूसरे मूर्ख लोग कोई चिंता नहीं करते हैं, छोड़ दिए। चाहे जन्म लेना पड़े लाखों बार, कोई बात नहीं, जन्म लेंगे मरेंगे, फिर जन्म लेंगे मरेंगे, लेकिन इससे मुक्त होने के लिए आश्रय जत्न करना जरूरी है। तो भक्त लोग ऐसे होते हैं, यत्न करते हैं। ये बहुत जरूरी है। हम अपने कर्म बंधन का निवारण करने की चिंता नहीं करेंगे तो कौन करेगा? यदि भगवान के भक्त हो गए तो वे करेंगे। लेकिन वे भी कहते हैं जतंती, जत्न करना चाहिए। उसी को मैं कहा कि जितनी अपनी शक्ति है उतनी लगानी चाहिए। नहीं तो फिर जन्म होगा और पता नहीं कैसा जन्म, कहीं मनुष्य का शरीर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मच्छर का देह मिलेगा क्या होगा, या बिल्ली का देह मिलेगा, या कुत्ते का देह मिलेगा। ये देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, हमको भारतवर्ष में जन्म दीजिए। लेकिन स्मृतिमत जन्म, ऐसा जन्म जिस जन्म में आपका स्मरण हो, जदत्र न स्वर्ग सुखावशेषितम स्विष्ट से सुक्त से चब कृत से शोभनम तेनाज नाभे स्मृतिमत जन्म न स्यात्। हमने बहुत बड़ा यज्ञ किया, बड़े बड़े यज्ञ किए और वेदाध्ययन किया और भी शुभ कर्म किए, दान किया, उसके चलते स्वर्ग हमको मिला है, हम स्वर्ग का सुख भोग रहे हैं। परंतु लाखों वर्ष स्वर्ग का सुख भोगने में कोई भी लाभ नहीं है। यदि हमारे शुभ कर्मों के पूर्ण फल में अगर कुछ बाकी है, अभी स्वर्ग का सुख भोगना बाकी है, पूर्ण फल बाकी है, तो उसी पुण्य के फल से हमको भारतवर्ष में जन्म दीजिए। भारतवर्ष में हम 50 वर्ष या 100 वर्ष की जिंदगी भी जिएंगे
तो वो अभी ठीक है, लाखों वर्ष स्वर्ग में जीने की अपेक्षा भारतवर्ष में थोड़े काल के लिए जीवन मिलना भी श्रेष्ठ है। स्मृति मत आपके स्मरण से युक्त जीवन। यही इस अध्याय में, इस प्रसंग में मुख्य विषय है, भारतवर्ष की महिमा। इस देश में जन्म मिलना बहुत ही कठिन है, भगवान की कृपा से जन्म मिलता है। और देवता लोग स्वर्ग में पछता रहे हैं, वहाँ जन्म मिला है बड़ा बड़ा कर्म करने से, लेकिन वे कह रहे हैं कि यदि हमने पुण्य से प्राप्त किया स्वर्ग और स्वर्ग का सुख भोगने में अगर कुछ बाकी है तो हमको भारतवर्ष में जन्म दीजिए। तो इस देश में जन्म मिलना बड़ा दुर्लभ है, और वह भी कृष्ण स्मरण से युक्त जीवन। बहुत अच्छा देह है, समाज है, तो इस देह का और समाज का लाभ उठाना चाहिए। इतना लाभ देवताओं को भी नहीं मिलता। भली भारत भूमि शरीर भलो, ये भला देश है, भला स्थान है, और ये मनुष्य शरीर उसमें मिला है, बड़ा अच्छा है। तो जो ये दुर्लभ वस्तुएं मिली हैं, इन वस्तुओं से लाभ उठाना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम राम। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि जरा और मृत्यु से बचने के लिए भगवान का आश्रय लेना और यत्न करना। कौन व्यक्ति चाहता है कि मैं इनवैलिड हो जाऊं, बूढ़ा हो जाऊं? बुढ़ापा में शरीर की सारी क्षमताएं, सारी क्रिया शक्ति नष्ट हो जाती है, और मरना तो दुखद है ही, मरना कोई नहीं चाहता है। कौन चाहता है कि मैं इस समाज से विदा हो जाऊं और कुत्ता के समाज में चला जाऊं? कोई नहीं चाहता, लेकिन ये होगा निश्चित। शरीर छूटेगा और दूसरा शरीर मिलेगा, तो जो वास्तविक समस्या है उससे छुटकारा लेने की चेष्टा करनी चाहिए। वास्तविक समस्या यही है ना, फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बार बार जन्म पर जन्म लेना और बारंबार व्याधि के अधीन होना, बारंबार बुढ़ापा में पड़ना और बारंबार मृत्यु होना, ये सब समस्या है। भगवत गीता में भगवान इसकी ओर संकेत कर रहे हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। जन्म लेने में, मरने में और जन्म मृत्यु के बीच में बुढ़ापा और रोगों के दुख को और दोष को देखना चाहिए, अनुदर्शनम, बारंबार देखना चाहिए, विचार करना चाहिए।
यह ज्ञान है, भगवान बताए अनुदर्शनम, निरंतर देखना चाहिए। जन्म लेने में, मरने में, बुढ़ापा में और रोगों में बहुत दोष है। दोष सबसे क्या है? दोष ये है कि भगवत स्मृति में बाधा पड़ती है। और दुख तो सामने ही है, बुढ़ापा में दुख, रोगों में दुख, मरने में दुख, जन्म लेने में दुख, और दुख के साथ दोष है। दोष है कि भगवत स्मृति विनाशक चीजें हैं। तो यही चार समस्याएं हैं। श्रील प्रभुपाद जी बारम्बार इसको कहते थे, और कोई समस्या नहीं है मानव समाज में। यदि कुछ अन्न की कमी है, या वस्त्र की कमी है, दवा की कमी है, तो ये असली समस्या नहीं। असली समस्या ये चार है। मरना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा, रोगों के अधीन होना पड़ेगा और बुढ़ापा से ग्रस्त होना पड़ेगा। असली समस्या ये है। तो समस्त समस्याओं का मूल है बारंबार जन्म मृत्यु में रहना, बारंबार जन्म मृत्यु में। और जन्म मृत्यु से व्यक्ति मुक्त होगा जब भगवान की भक्ति करेगा। और जन्म मृत्यु से मुक्त हो गया तो बुढ़ापा और रोगों से अपने आप मुक्ति हो जाएगी। इसीलिए यह बहुत आवश्यक है, इससे मुक्त होने के लिए भगवान का आश्रय लेकर के भक्ति करना है। उसी को यत्न करना कहते हैं, यतन्ति। आखिर काम कर ही रहे हैं, संसार में जी रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो जन्म मृत्यु से मुक्त होने के लिए काम करें, काम करें, भगवान का जप करें, भागवत पढ़ें, गीता पढ़ें, ये सब यत्न है। भगवान का स्मरण करेंगे तभी वैकुंठ जा सकते हैं। यही यत्न है। यतन्ति का ये अर्थ नहीं है कि अब मुक्त होने के लिए कोई फैक्ट्री खोलो। माला उठाना है, यही यत्न करना है। तो माला उठावें, भगवान का भजन करें, गीता पढ़ना चालू करें। सब काम कर ही रहे हैं तो ये काम जरूर करें। माला पर भगवान का नाम जपना चालू करें, भगवान को प्रणाम करना और भगवान के बारे में कुछ पढ़ना सुनना, ये आवश्यक है। हरे कृष्ण।